वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माई डियर फ्रेंड्स, और जो जो मुझे देख रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग। और आज है संडे, मैं कल कोई ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी बिकॉज दो दिन से ना कुछ ऐसे बीमार सी तबीयत चल रही है, मतलब बच्चों की भी और हमारी भी, थोड़ी सी पेट गड़बड़ा रहे थे एंड थोड़ा सा फीवर हो गया था साहिबा को, फिर सोम को हो गया, फिर मेरे को हो गया और फिर हस्बैंड को हो गया। बस थोड़ा थोड़ा सा, बस एक एक डोज ली हमने पैरासीटामोल और फिर ठीक हो गए। उसके मेरे और हस्बैंड का थोड़ा सा पेट गड़बड़ आ गया। आज थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है, आज अच्छा लग रहा है, तो इसलिए मैं आज ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और आज बन रही है, अभी बहुत लेट 9:30 हो चुके हैं, चाय बन रही है। और सोहम कह रहा था कि दो दिन से ऐसे चल रहा था ना ढीला, तो खिचड़ी वगैरह ये सब देती थी मैम, तो आज कह रहा था मम्मा पाव भाजी खानी है, तो मुझे लगा बना देती हूँ मैं। बहुत दिन टाइम से जिद कर रहा है कि आप डेली वही बनाते रहते हो, तो मैं अभी पाव भाजी का फटाफट से सामान ये तैयार कर रही हूँ और पाव लेके आएंगे अभी हस्बैंड। तो उठे लेट हैं हम लोग, तो सारा काम लेट हो गया। और भैया भी आ जाएंगे काम करने के लिए, अभी कुछ काम चल रहा है, वुडन वर्क चल रहा है मेरे घर में, तो बस उसी के चक्कर में टाइम नहीं मिल पा रहा है। और वो जो उसका बुरादा सा होता है ना ऐसे, वो सारा ना अंदर गले में जा के ना ऐसे परेशान कर रहा है, और इसलिए उससे ना हेडेक भी हो रही है, पता नहीं वो आवाज़ वगैरह से ना। तो बस वही सब कर रही हूँ मैं, ये आलू सब्जियाँ वगैरह ये तो मैंने वॉश कर लिए, ये कर रही हूँ मैं। तो मैं आज भी भूल गई थी ब्लॉग बनाना, तो मुझे लगा मैं ये स्टार्ट तो कर दूँ, एटलीस्ट स्टार्ट किया होना तो ब्लॉग फिर एंड हो जाता है, स्टार्टिंग ही नहीं होती है तो फिर मुश्किल हो जाता है। और आजकल धूप नहीं निकली थी, आज भी थोड़ा मौसम ऐसे लग रहा है लेकिन थोड़ा सा खुला खुला सा लग रहा है। आज मेरे कपड़े सूखने डाला होंगी, नहीं तो मैंने कल हॉल में तारे बांधी थी, दिखाऊँगी आपको मैं। तो बस अभी, और रात को एक स्लॉट धो लिया था शाम के टाइम, तो बस अभी डालना है वो ऊपर सूखने, तो वो डाले आते हैं ब्रेकफास्ट बनाने से पहले। उससे पहले मैं दे देती हूँ हस्बैंड को चाय, उनको चाय पीनी है अदरक वाली, अच्छा से अदरक डाल के। तो मैंने सोचा थोड़ा सा वेजिटेबल बॉयल करने के लिए रख देती हूँ, उतनी देर में हम लोग चाय पी लेंगे, देन उसके बाद फिर हम कपड़े ऊपर छत पर डाल देंगे सूखने के लिए, और उतनी देर में ये काम हो जाएगा, फिर हस्बैंड पाव लेके आ जाएंगे और फिर बस ब्रेकफास्ट हो जाएगा हमारा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे मैं कुछ टाइम बाद। बस फोन ही देखते रहना। सब्जी मैंने मैश कर ली है, अब इसको लगाऊंगी थोड़ा सा तड़का में, बिल्कुल सिंपल सा, फटाफट से। पाव लेके आ गए हस्बैंड, टमाटर फ्रिज में रखने हैं और मुझे इनको ऊपर से पहले वॉश करना है, और इन्होंने ऊपर ही रख दिया है, ये थैला घर का ही है, इसको वॉश करना है ऊपर ऊपर से, कोरोना फैल रहा है बहुत ज़्यादा। नमस्ते भैया, ये डाल दिया हमने धनिया, और हो चुका है हमारा इसके साथ सैलेड भी रेडी। ये कौन लेगा? सोहम लेगा। तो अभी जी बिल्कुल फ्री काम से, बिल्कुल फ्री तो नहीं हुए लेकिन ऑलमोस्ट सुबह वाला जो काम है वो सारा फ्री हो गया। थोड़ी सी चाय भी नहीं लिया अभी, और ऊपर थोड़ी सी धूप निकली हुई है तो कपड़े वगैरह सन में फोल्ड करके आई हूँ, मतलब उल्टा करके आई हूँ ताकि जल्दी सूख जाएँ। और कल भी मैंने स्काई ब्लू पहना था और आज भी, लेकिन दोनों डिफरेंट है, ये मेरी सासू माँ का है। तो पीछे अभी ये ब्लैंकेट ऐसे पड़े हुए हैं क्योंकि हम इसको फोल्ड नहीं करेंगे, सर्दियों में फोल्ड करने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि दोबारा फिर इसी में जाना होता है, तो इसलिए बार बार फोल्ड करने का कष्ट ना उठाइए। क्योंकि मैं भी अभी
कंबल लेके बैठने वाली हूँ। ऊपर थोड़ी देर धूप सेकने गई थी लेकिन हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा, तो बाहर भैया काम कर रहे हैं, सो हम अपने स्टडी कर रहा है और साहिबा भी, और मुझे लगा मैं थोड़ा सा भी चाय वाय पी के थोड़ा सा आराम करती हूँ, थोड़ी इंस्टाग्राम रील्स बनाती हूँ और आप लोगों से बातें करती हूँ। अब देखते हैं दोपहर को क्या खाने की फरमाइश होती है। यार संडे है तो सबका यही रहता है, सबका तो नहीं रहता है, सोहम आजकल ज़्यादा करता है, तो बस संडे को भी देखते हैं अभी क्या बनाती हूँ। और साहिबा का बर्थडे आ रहा है ट्यूसडे को, उसकी बर्थडे ड्रेस भी नहीं लिया हमने, सैटरडे संडे लॉकडाउन है यहाँ पे दिल्ली में, और देखती हूँ कल निकलना पड़ेगा मेरे को, इसकी कम से कम ड्रेस तो लेके आए हैं, तो सिंपल सी ड्रेस ही लेती हूँ मैं, ज़्यादा वो नहीं लेती, वो फ्रॉक्स वॉक्स पहले लेती थी, ये अभी ये खुद ही मना कर देती है कि मुझे वो नहीं चाहिए। अब देखते हैं क्या मिलता है कुछ ऐसा, क्योंकि उसके बाद अभी ज़्यादा सर्दियाँ तो होती नहीं है, तो कपड़े देखते हैं कैसे लेने हैं। कल कहाँ जाती हूँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा है अभी तक हमें, देखते हैं कल फिर आपको बताऊँगी मैं। और इसके बर्थडे की क्या क्या, एक गिफ्ट तो इसका आ चुका है, छोटे छोटे गिफ्ट्स, इस गिफ्ट्स क्यों ना जवान से तुतला सी जाती है, तो गिफ्ट्स वगैरह देखने हैं इसके। इसने कहा था कि मम्मा कुछ भी दो बस मुझे सरप्राइज चाहिए, कि मतलब इसको पता ना हो, कि वैसे बच्चों को ऐसे लगता है ना कि बिल्कुल अचानक से कुछ भी गिफ्ट दे दे, ये जिद नहीं करती है बिल्कुल भी, जिद दोनों ही नहीं करते हैं, अच्छे हैं जैसा भी है। और सोहम तो जैसे बड़ी बड़ी आइटम्स वगैरह की इसको मिल जाती है, इसको कोई शौक नहीं है ऐसा। पीछे ड्रिलिंग मशीन चल रही है, मैं दिखाऊंगी आपको क्या वर्क चल रहा है बाद में, जब पूरा फिनिश हो जाएगा ना, देन उसके बाद मैं दिखाऊंगी। आवाज़ नहीं आ रही है तो देखते हैं। एक छोटा सा गिफ्ट उसका आ चुका है, और अरे यार बाद में बात करती हूँ। तो भाई शाम का टाइम हो गया है, ये 4:30 बजे के करीब, और हस्बैंड कहते थोड़ी सी भूख लगी है, उन्होंने दोपहर को कुछ नहीं खाया, तो मैं बस उनके लिए चीला बना रही हूँ फटाफट से, और एक बच्चों को बना दूँगी, और साथ में भैया ये काम कर रहे हैं ना, इनको भी बना दिया मैंने चाय के साथ। गरम गरम में ऐसे हाथ लग जा रहे हैं। तो ये शाम को बस वो बर्तन वगैरह साफ़ करके, किचन वगैरह साफ़ करके, और देन उसके बाद मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। डिनर में बहुत सारी सब्जियां हैं लेकिन कुछ भी सब्जी खाने का मन नहीं कर रहा है, मन कर रहा है कुछ बिल्कुल सिंपल सा खाया जाए, तो मैं आज बना रही हूँ दही भले आलू, तो इसलिए मैंने आलू बॉयल करने के लिए रखे हुए हैं। तो भैया भी लगे हुए हैं शाम पर, बहुत ज़्यादा लेट गए थे ये लोग, भैया अकेले ही हैं सच में, कोई और नहीं है ना साथ में, इसलिए तो काम फिर लेट ही पास में रहते हैं तो लेट हो गए। तो ये मैंने दही वाले आलू के लिए आलू बॉईल कर लिए हैं, और साथ में प्याज, हरा धनिया, लहसुन और हरी मिर्च कट कर लिया मैंने, और इसको मैं तड़का लगा रही हूँ। देखो सिंपल सा है, बहुत सारे लोग बनाते हैं ऐसे, मैं बहुत सिंपल सा बनाती हूँ ऐसे।
पीछे से आपको आवाज़ें आ रही होंगी, वो काम चल रहे हैं ना, बस इसीलिए प्लीज़ इग्नोर करना। वैसे मेरी चप्पल है कहाँ? मैं तुम्हें एक बंद कर दीजिए, एक मिनट रुक जाओ। तुम खाना ले लो बेटा, गरम हैंड वॉश कर ले अच्छे से, इधर कर ले गरम पानी से। नहीं नहीं, गरम पानी से कर ले बेटा, थोड़ा गरम होगा। तो अभी हम लोगों का सारा काम वाम खत्म हो चुका है और ये सोहम मेरे पास और वो रही साहिबा, और खाने पे ही हमारा काम खत्म नहीं हुआ। उसके बाद हम लोगों ने खाया है, क्या खाया है? हलवा खाया है। आटे का हलवा बनाया था मैंने, तो वो खाया है। तो इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। और 10 बज चुके हैं ना, शायद ज़्यादा हो चुका है टाइम। कुछ नहीं पूछ रहे तेरे लिए, कुछ नहीं पूछ रहे। अरे हाँ, साहिबा का बर्थडे आ रहा है। अच्छा, पैर में लग गई। साहिबा का बर्थडे आ रहा है कब है? परसों है। अरे सच में क्या? मैं भूल ही गई थी। तो चलिए बाय कर दो सभी। बाय। इस बार सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।